vis-à-vis China on the business front. So my own sense is that yes, we're going to see a continuation of the policies under President Trump, of course with a toned down language and toned down rhetoric around it. But my sense is that we're going to see the continuation of same policies, and I think to some extent it is beneficial for India. We have seen some manufacturing shifting the base from China to India, and I think it will gain a lot of pace in the next 3-4 years. So possibly there is a window of opportunity for India to enter into the global manufacturing race during this period. Puneet, रिकॉर्ड हाइस पर है यूएस के जो इंडस्ट्रीज है यूएस स्टॉक मार्केट्स में. सो आपको लगता है ये क्या एक ग्लोबल एसेट रैली का पार्ट है, पर भारत में भी हम तेजी की ही आशा कर सकते हैं, या इसका रीजन ये है कि बाकी बाजारों से पैसा निकालकर इन्वेस्टर्स यूएस में लेके जा रहे हैं? नहीं सुनो, यूजुअली ग्लोबल रैलीज स्ट्रांग होती है और वो सभी मार्केट्स में उनका असर रहता है. और यूएस में खासतौर से काफी अच्छी इकोनॉमिक न्यूज भी है वहां पर. हालांकि कोविड 19 वहां पर बढ़ा है, लेकिन उतनी चिंताएं वहां पर नहीं है और वहां कम हुई है. प्लस वहां पर इन्फ्लेशन को लेकर चिंताएं कम हुई है. तो मुझे लगता है ओवरऑल जो बैलेंस ऑफ न्यूज है वो वहां पॉजिटिव है. और यदि यूएस मार्केट स्ट्रांग रहती है, यूएस मार्केट में हम पॉजिटिव फ्लोज देखते हैं, तो उसका पॉजिटिव असर भारतीय बाजारों में भी रहेगा, दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में भी रहेगा. तो आई थिंक इट इज गुड फॉर द मार्केट्स. जैसे इंडिया में थोड़ी चिंताएं कोविड को लेकर कम होंगी, तो मुझे लगता है पॉजिटिव रिएक्शन रहेगा. एक्सपेक्ट प्रेसिडेंट जो बाइडेन टू विदड्रॉ द टैक्स कट्स एक्सटेंडेड टू कंपनीज अंडर डोनाल्ड ट्रंप अर्लियर? यू एक्सपेक्ट द टैक्सेस टू बी रेज्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर सोशल सिक्योरिटी? So I think Joe Biden, President Biden has made it very clear that he proposes to raise taxation on American companies and also multinational companies which are operating in America. So I think I don't know how it will really play out specifically, but generally speaking, I think he is going to raise taxes on companies, and that money he wants to spend on building infrastructure in America. So clearly.